मुंबई चैंबूर के तिलक नगर में शिवसेना उद्धव ठाकरे व तुक सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष इमरान खान व अमर नायकर के कार्यालय का उद्घाटन संपन्न। सर, उद्धव बाला साहब ठाकरे के शिवसेना का ग्राफ ऊंचा होते हुए नजर आ रहा है, क्या कुछ कहना है? ये तो बाला साहब का आशीर्वाद है और उद्धव साहब की मेहनत है और हमारे जैसे और यहाँ आपके सामने खुद एक कार्य सम्राट आमदार संजय पुतनी साहब यहाँ पे है, ऐसे अनगिनत शिवसेना को चाहने वाले दिल से कट्टर शिवसैनिक है और महाराष्ट्र की तमाम जनता का आशीर्वाद है। उद्धव साहब के पास वो इनकी सबकी ताकत है। ये शिवसेना एक महासागर है, इसमें से एक दो लोटे चले जाते हैं लेकिन महासागर में कभी कमी नहीं आती। तो ये सब बाला साहब का आशीर्वाद है जिसके वजह से आज भी सब लोग जश्न मना रहे। जब भी शाखा वो खुलती है तो हमारे लिए वो हमारा एक फेस्टिवल जैसा रहता है और हम लोग इसी तरह कार्य करते हैं ताकि आम लोगों को सुविधा मिले। ये जब भी कोई शाखा आती बनती है नई आती है तो वो लोगों का भलाई के लिए सोचते हैं और सब लोग इकट्ठा होते हैं, फादर बॉडी से लेके सारे विंग यहाँ पे आते हैं और लोगों के भले के लिए हमेशा शाखे में रहते हैं। यानी ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, सत्य कभी पराजित नहीं। या अभी आप ही उसने बोल दिया, सच है लेकिन ये कड़वा है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। और 57 इयर्स की शिवसेना है, हमारी इतनी उम्र भी नहीं है, तो ये शिवसेना है जो ये महासागर है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आगामी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए मुंबई चैंबूर के तिलक नगर से शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के महाराष्ट्र बहतुक सेना के उपाध्यक्ष इमरान खान व अमर नायकर के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। उद्घाटनकर्ता के तौर पर विधायक संजय पोतनेश और विधायक प्रकाश फातेकर व नितिन नांदगांवकर उदय दलवी ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। वहीं इस मौके पर हजारों की संख्या में महिलाएं तथा पुरुष मौजूद रहकर इमरान खान व अमर नायकर के सफल मंगलमय जीवन की कामना की। अगर बात की जाए तो कई तरह के कार्यालय खोलने का जो है एक प्रक्रिया रहता है, वही हम आपको बताएं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, नगर सेवक का चुनाव हो या संसदीय चुनाव हो, कार्यालय अपने अपने दलों का कार्यालय खुलता है। वहीं हम आपको ये दिखाना चाहेंगे अमर नायकर जो कि महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और वहीं इमरान खान महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वाहतुक सेना के। तो इनके द्वारा जो है यानी संयुक्त मिलन कहा जा सकता है, अमर नायकर और इमरान खान का, इनके संयुक्त मिलन से जो है कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि संजय पोतनी जो कि यहाँ के कार्य सम्राट आमदार हैं और वहीं अगर चैंबूर विधानसभा की बात की जाए तो पाटेकर जो कि एक विधानसभा के विधायक हैं, कार्य सम्राट आमदार हैं, उनके द्वारा जो है उद्घाटन किया जा रहा है। उद्घाटनकर्ता के तौर पर ये दो विधायक यहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे के नज़र आएंगे। फिलहाल अभी केक काटते हुए नज़र आ रहे हैं स्वयं शिवसेना के नेता मंच पर जो है केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर तमाम संख्या में देखा जाए तो अत्यधिक संख्या में महिलाएं और पुरुष यहां दिखाई दे। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का जो एक ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम आपको यह भी आज की जो स्थिति है यह आपको हम दिखाना चाहेंगे। अमर नायकर जो कि उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र राज्य, काफ़ी संख्या में यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं और पुरुष की बात की जाए तो काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष दिखाई दे रही हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ये संयुक्त मिलन कहा जा सकता है अमर नायकर और इमरान खान जो कि दोनों अगर उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र वाहतूक सेना के उपाध्यक्ष हैं, ये दोनों इनके संयुक्त मिलन से जो है कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोगों के बीच में दोनों शख्स नज़र आ रहे हैं जो कि शिवसेना के उच्च स्तर के नेता कहे जा सकते हैं। हालांकि दोनों उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य वाहतूक सेना के दोनों उपाध्यक्ष हैं। आज इस अवसर पर स्वयं संजय पुतनीस जो कि इस क्षेत्र के कहा जाए कुर्ला विधानसभा के जो है आमदार हैं वो स्वयं आए इस उद्घाटन के अवसर पर। हालांकि अगर महिलाओं और पुरुष की बात की तो काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित रही जो कि कहा जा सकता है कि उद्धव साहब शिवसेना का जो है ग्राफ जो है ऊंचा होते हुए दिखाई दे रहा है। हर जगह जो है महिलाएं और पुरुष आज कहा जा सकता है इस अवसर पर नजर आ रही हैं और वहीं लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कहा जाए कुर्ला विधानसभा के एक कार्य सम्राट आमदार संजय पुतनी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर, आज इस कार्यालय के उद्घाटन में आप यहाँ आए, क्या कुछ कहना है?
महाराष्ट्र वाहतूक संघ की तरफ से अमरमाल पे एक वाहतूक संघ का कार्यालय यहाँ पर अभी स्थापित हो रहा है, उनको मेरी शुभेच्छा है। यहाँ के आजू बाजू के सब लोगों को एक कार्यालय का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे अमर नायक इमरान भाई और उनके अध्यक्ष उदय दलवी और हमारे उपनेता नंदावकर साहब ये सब यहाँ पर उपस्थित है। इसीलिए है कि शिवसेना जो है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की, ये पूरे मुंबई से महाराष्ट्र में एकजुट के साथ खड़ी है। और जो जो लोगों को शिवसेना की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वहाँ पर हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सब शाखाएँ है, भारतीय कामगार सेना है, ये वाहतूक सेना है, माथाड़ी कामगार सेना है, जहाँ जहाँ पर लोगों को ज़रूरत होती है शिवसेना की, वहाँ पर हमारी शाखाएँ है। अपने अपने माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों की तरफ हम लोग अपना कार्य जाने का हम लोग एक सही रास्ता हम लोग चुना है। सर, उद्धव बाला साहब ठाकरे के शिवसेना का ग्राफ ऊंचा होते हुए नजर आ रहा है, क्या कुछ कहना है? ये तो बाला साहब का आशीर्वाद है और उद्धव साहब की मेहनत है और हमारे जैसे, और यहाँ आपके सामने खुद एक कार्य सम्राट आमदार संजय पुतनी साहब यहाँ पे है, ऐसे अनगिनत शिवसेना को चाहने वाले दिल से कट्टर शिवसैनिक है और महाराष्ट्र की तमाम जनता का आशीर्वाद है उद्धव साहब के पास, वो इनकी सबकी ताकत है। ये शिवसेना एक महासागर है, इसमें से एक दो लोटे चले जाते हैं लेकिन महासागर में कभी कमी नहीं आती। तो ये सब बाला साहब का आशीर्वाद है जिसके वजह से आज भी सब लोग जश्न मना रहे। जब भी शाखा खुलती है तो हमारे लिए वो हमारा एक फेस्टिवल जैसा रहता है और हम लोग इसी तरह कार्य करते हैं ताकि आम लोगों को सुविधा मिले। ये जब भी कोई शाखा बनती है, नई आती है, तो वो लोगों का भलाई के लिए सोचते हैं और सब लोग इकट्ठा होते हैं, फादर बॉडी से लेके सारे विंग यहाँ पे आते हैं और लोगों के भले के लिए हमेशा शाखे में रहते हैं। यानी ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, सत्य कभी पराजित नहीं। ये आप ही उसने बोल दिया, सच है लेकिन ये कड़वा है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। और 57 इयर्स की शिवसेना है, हमारी इतनी उम्र भी नहीं है, तो ये शिवसेना है, ये महासागर है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर, आज आप इस कार्यालय के उद्घाटन पे आए, क्या कुछ कहना है? आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे तिलक नगर में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र वाहतूक सेना का आज यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन हो गया। हमारे यहाँ के विभाग प्रमुख विधायक संजय जी पुतनी साहब, हमारे शिवसेना के उपनेते नितिन जी नांदगावकर साहब, हमारे महाराष्ट्र वाहतूक सेना के सरचिटनीस सूर्यकांत तांडेल, कार्याध्यक्ष अशोक टोरस, ढेर सारे कार्यकर्ते और यहाँ के हमारे उपाध्यक्ष इमरान भाई और हमारे अमर नाइककर, इनका आज यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन था। और उद्घाटन करने के बाद यहाँ पे जो यातायात है, वो यातायात की समस्या रहेगी, वाहन चालकों की समस्या रहेगी, उसके लिए उनको मदद करने के लिए यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किया है। उसके साथ साथ महानगर पालिका का इशू हो या पुलिस स्टेशन की मदद चाहिए, हर सहायता केंद्र, यहाँ के लोगों को सहायता केंद्र का यहाँ पर आज उद्घाटन हो गया है। सर, एक प्रश्न और है, आज शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है और आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? पहला तो मैं बोलता हूँ, शिवसेना दो विभाग में बटी नहीं है, क्योंकि शिवसेना के चंद लोग, जो चिल्लर लोग, वो चले गए। आज लाखों लोग आज भी उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे के साथ में है, तो ये लोग जाने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बाला साहब ने जो लगाया है शिवसेना का जो पेड़ है, वो पेड़ जमीन में इतना गहरा गया है कि हर लोगों के, हर जात के, हर धर्म के, हर समाज के लोगों के दिलों तक वो पेड़ पहुंचा है। और ये पेड़ के लगे हुए फल गिरे, फल गिरने से पेड़ नहीं खत्म हो गया है, ये पेड़ जो है ना, ये पेड़ हर महीना हर साल नए नए फल उगाएगा। और ढेर सारे कार्यकर्ते शिवसेना के साथ जुड़ा है, अगर उनको लग रही उनकी ताकत है तो महानगर पालिका का इलेक्शन क्यों नहीं ले रहे? आज डर रहे, एक साल हो गया मंत्रिमंडल बना के, तो भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? कि चोर के दाढ़े में तिनका, ये डर उनको है और ये डर हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ये बिल्कुल भी। अगर महानगर पालिका की बात किया जाए तो डिसॉल्व हुए करीब एक साल हो चुके हैं और आज तक चुनाव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इनका यह कहना बिल्कुल सही रहा है कि क्या वजह रही कि चुनाव नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक डर सा बना हुआ है जो कि इन्होंने कहा है।
या हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, जो बाला साहब ठाकरे की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ये जो पेड़ है वो हर साल फल देते रहेगा, फल हर साल जाएगा और पत्तियां आएंगी, फल लगेंगे, लेकिन जो अस्थायित्व की बात अगर किया जाए तो उद्धव बाला साहब ठाकरे अस्थायित्व हैं और रहेंगे। इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उद्घाटनकर्ता के तौर पर कहा जाए प्रकाश फातेकर, जो कि चेंबूर विधानसभा के उद्धव बाला साहब ठाकरे के विधायक हैं, वो नज़र आ रहे हैं। इमरान खान और कहा जाए अमर नाइकर के बीच में मौजूद आ रहे हैं प्रकाश फातेकर। शिवसेना आदित्य, शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, याचं कार्यालयाचं भव्य असं उद्घाटन झालेलं आहे। आणि महाराष्ट्र वाहतूक सेना ही 82 अस्तित्वात आहे, त्यांचे अध्यक्ष उदय दळवी आहेत आणि बाकी या आणि आमचे आमदार आणि उप विभाग प्रमुख संजय पोतनीस त्यांच्या हस्ते या कार्यालयाचं उद्घाटन झालेलं आहे। आणि माझ्या लगतचा हा वॉर्ड आहे, विभाग आहे आणि नेहमीच पहिल्यापासून ह्यांच्याबरोबर जुळलेला आहे मी कित्येक वर्ष। आणि आनंद होतो की सगळेजण एकत्र येऊन शिवसेनेचं काम करतायत, इकडे तिकडे कुठे न जाता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबर आहेत आणि चांगलं काम करतात, त्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी मी इथे आलो आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इमरान खान साहब, आज आपके कार्यालय का उद्घाटन यानी गंगा जमुना का मिलन कहा जा सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए अमर साहब की या आपकी बात की जाए तो बिल्कुल दिखाई दे रहा था, परिलक्षित हो रहा था कि एक गंगा जमुना का मिलन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? बेशक बेशक, ज़रूर। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र वाहतूक सेना का आज यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। शिवसेना है ही ऐसी, यहाँ आपको गंगा जमुना हर चीज़ यहाँ पे, हर लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं। आज आपने देखा होगा संजय पुतनीस हमारे यहाँ के विभाग प्रमुख, यहाँ के आमदार नितिन नांदगांवकर, उपनेता महाराष्ट्र वाहतूक सेना के अध्यक्ष उदय दलवी और हमारे चेंबूर के प्रकाश फातेकर आमदार के हाथों यहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन वाहतूकदारों के लिए हुआ है। ये एक ऑफिस यहाँ पे तिलक नगर में आज खोला गया है, एक सेंटर पॉइंट है। वाहतूकदारों के बहुत से समस्या हैं, तकलीफ़ें उनको जो होती है उसके लिए यहाँ पे आजू बाजू में नज़दीक में उनके लिए कोई ऑफिस नहीं था। बहुत से लोग हमारे पास आए, हमको बोले कि हमारे लिए एक ऑफिस का कुछ आप इंतज़ाम करिए, जो हमारे प्रॉब्लम्स है आप सॉल्व करने का काम करिए। हमने बोला ज़रूर, क्यों नहीं, हमने हमारे अध्यक्ष से बात किया, हमने हमारे नेताओं से बात किया और आज इस ऑफिस का हमने उद्घाटन करके लिया। एक अल्प आयु आपकी कही जा सकती है, कम उम्र के हैं और महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष भी आप बने, तो आपने कौन कौन से कार्य किए हैं जो कि जनता के हित में रहा? देखो, वाहतूक से आप अगर कहेंगे तो मैंने बहुत सा काम, मैं आज से नहीं जुड़ा हूँ, मैं पिछले 15 से वाहतूक में जुड़ा हुआ हूँ। बहुत से टैक्सी वालों के लिए हमने आंदोलन किए थे पहले भी, रिक्शे वाले लोग के लिए किए थे, उनके जो बैच रिलेटेड प्रॉब्लम थे, उनके लाइसेंस रिलेटेड प्रॉब्लम थे, इसके लिए हमने आंदोलन करके उनके लिए हमने काम करने का काम किया। और आने वाले वक्त में भी आप ज़रूर इस कार्यालय से देखेंगे, यहाँ से वाहतूकदारों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा हम काम करके ज़रूर उनको देंगे। कहा जाता है बिना सहयोग के कोई काम नहीं चलता। अमर नाइकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा सिटी न्यूज़ चैनल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? जनसंपर्क कार्यालय आपने खुद ही बता दिया, तो जन लोगों का सबका इधर एक साथ आक्रमण होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के जो भी पब्लिक है उन लोगों का कोई भी वाहतूक रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, आज भीड़ ने दिखा दिया कि आप बिल्कुल जनाधार आपकी बहुत मजबूत है, क्या कहना चाहिए? तो आप लोगों के आशीर्वाद से ये जो हो रहा है, जो मजबूत है या मैं कम हूँ, ये आप लोग सबके आशीर्वाद से ही ये हो रहा है। ये जो मेरे लोग हैं, ये लोगों का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पे इधर आके आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, इन सब लोगों का आशीर्वाद है मेरे लिए, मैं ये कहना चाहूँगा। पहले आप अपना नाम बताइए और क्या पद है आपका इस? रहमतुल्ला खान आजमी, वाहतूक सेना बाला साहेब ठाकरे, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष राज्य। कहते हैं कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, तो कौन सा तोहफा लाया है आपने इमरान खान और अमर नाइकर के लिए? इमरान भाई के लिए मैं कल्याण से आया हूँ, इमरान भाई भी
महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष है और मैं भी महाराष्ट्र राज्य का उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग मिलके ये संगठन जो है वाहतूक सेना संगठन है, जो समस्या है वाहतूक वालों की, हम लोग मिलके हल करेंगे और पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती देंगे। यानी आने वाले समय में कहा जाए उद्धव बाला साहब ठाकरे का की जो पार्टी है वो बिल्कुल चरण सीमा पर रहेगी, क्या कुछ कहना? उद्धव साहब बाला साहब की पार्टी जो है बहुत अपने चरम सीमा पे चल रही है। अगर चुनाव आएगा तो पता चलेगा कि ये उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे की पार्टी क्या है। जो जुलून दिखाई दिया यहाँ के लोगों के, स्थानीय रहवासियों का बड़ा ही प्रेम मिलते रहा है इमरान खान और अमर नाइकर साहब का। जैसा कि अभी एक माता ने बताया, एक महिला ने बताया कि आज हमारा जन्मदिन था लेकिन उस जन्मदिन को छोड़कर हम आए हैं शुभेच्छा देने के लिए इमरान खान और अमर नाइकर को। तो ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त कहा जा सकता है 23 जून का, जहाँ तिलक नगर में जो है उद्घाटन किया जा रहा है इमरान खान और अमर नाइकर के कार्यालय का। आप अपना काम छोड़ के यहाँ आई हैं, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। इमरान सर का आज यहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन था तो उम्मीद करते हैं कि वो महिला को साथ दे, महिलाओं की मदद करे और साथ में लेके चले उन्हें वाहतूक सेना। हाँ, आपने देखा ये अमर नाइकर और कहा जाए इमरान खान जो कि महाराष्ट्र वाहतूक सेना के उपाध्यक्ष हैं, ये दोनों इनके संयुक्त मिलन से ये कार्यालय का उद्घाटन किया गया है जो कि कहा जाए तिलक नगर के करीब, पुलिस स्टेशन के करीब ही कहा जा सकता है। और इससे पहले हम आपको बताएं वाहतूक के रूप में इन्होंने बहुत से अच्छे कार्यों को अंजाम दिया है। वहीं आज इस उद्घाटन के अवसर पर संजय पोतनीस जो कि कुर्ला विधानसभा के विधायक हैं और चेंबूर विधानसभा के प्रकाश फातेकर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर इन्हें जो है शुभेच्छा प्रदान किया। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।